टू दिस वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सीएचएसएल 2018 का रिजल्ट जारी हो गया है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो जाकर चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है जहां से आपको इसका अपना रिजल्ट चेक करना है। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल 2018 का रिजल्ट जारी हो चुका है। अगर आपने चेक नहीं किया है जाकर चेक कर लीजिए। क्या कुछ रिजल्ट रहा, कैसे क्या कट ऑफ रही, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सीएचएसएल 2018 का टीयर 1 का रिजल्ट आ गया है और डिस्क्रिप्टिव आपका जो है आपका लगा हुआ है आगे अगले ही महीने में। ठीक है, तो क्या कुछ कट ऑफ रही, चलिए इसको जल्दी से बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रही। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव आपका है 29 सितंबर को, यानी कि इन्होंने 29 सितंबर की डेट फिलहाल दे रखी है। लेट्स सी कि ये 29 सितंबर को कंडक्ट करवाते हैं या नहीं। सो एनीवेज, आपका जो कट ऑफ गई है वो DEO की गई है, फॉर द पोस्ट ऑफ DEO अदर देन CAG, यानी कि CAG के अलावा जो DEO की कट ऑफ गई है वो UR कैटेगरी की 181.75 गई है। दैट इज ह्यूज, यानी कि बाकी कैटेगरीज में मुझे लगता है वैकेंसी नहीं थी, इस वजह से UR की 181.75 और OBC की 178.45 गई है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी होती है फॉर द पोस्ट ऑफ DEO, इसके लिए वैकेंसी, इसकी जो कैटेगरी गई है वो आपकी, इसकी जो कट ऑफ गई है जो गई है 165.93, दैट इज अगेन ह्यूज, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है DEO की 165.93। तो इसकी आपकी ये जनरल की गई है, OBC की 161 ऑलमोस्ट बराबर आ चुकी है, SC की 170, 145, ST की 136। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं LDC, JSA और PSA, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, या सॉरी जूनियर असिस्टेंट और ये आपका PSA, तो इनकी जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 135.60, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू CGL। CGL की भी 137 गई थी, उसके आसपास ही यहाँ पे इसकी भी कट ऑफ गई है, और OBC की कट ऑफ गई है 133.74, SC की 110.909 और ST की 99.09। ये कट ऑफ आपकी ओवरऑल गई हैं, तो टोटल आपकी जो, अगर हम बात करें इन जनरल कट ऑफ की, तो 135 गई है। इसके अलावा आपकी DEO की 165 गई है और आपकी DEO अदर देन CAG की 181.75 गई है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके रिजल्ट की बात। अगर आपने चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी मेरा लिंक पिन है, आप वहां से चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है। इसके अलावा अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, आपका टीयर टू जो है, टीयर टू की अगर बात करते हैं, तो टीयर टू आपका सितंबर में SSC के अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल्ड है। तो अगर आप टीयर टू की तैयारी अभी तक करना नहीं शुरू किए हैं तो टीयर टू की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपका ये कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद गई है, इसी वजह से ये कट ऑफ ज़्यादा है। तो अगर आपके प्री में कम स्कोर आ रहा था, आंसर की में 100 के आसपास आ रहा था, 105, 108 आ रहा था, फिर भी अपना रिजल्ट जरूर चेक करिए, क्योंकि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपका स्कोर बढ़ा हो। नॉर्मलाइजेशन कैसे क्या होता है इसको समझने के लिए मैं आई बटन में एक वीडियो पिन कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, जहां से आपको समझ में आएगा। मैंने CHSL के लिए नॉर्मलाइजेशन समझाया था, आप CHSL के लिए उसी से समझ लीजिएगा कि कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा जो इन्होंने डिस्क्रिप्टिव की डेट दी हुई है वो दी है 29/09/2019, यानी कि 29 सितंबर, कुछ ही दिनों में आपका डिस्क्रिप्टिव है। आज आपकी 12 तारीख है, यानी 17 दिनों के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव है। कैसे क्या तैयारी करनी है, क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, इनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगला वीडियो मैं आपको CHSL की इन्फॉर्मेशन देते हुए बना दूंगा कि क्या कुछ आपको तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो आपके लिए ये पूरी चीजें होंगी। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर ये बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा और आपका रॉ स्कोर से आपका जो एक्चुअल स्कोर है वो कितना बड़ा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, aman.ssc@gmail.com पर। ठीक है, ये मेरी मेल आईडी है, आप यहां पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपको, अगर आपके मेरे अनअकैडमी प्लस कोर्सेज के बारे में, सो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस पर जाना होगा, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइएगा, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 5,000 रुपये का, कंटिन्यू की करेंगे इस पे आप मेरा रेफरल कोड डाल सकते हैं अमन त्रिवेदी, अप्लाई करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपके पास कुछ क्रेडिट्स हैं तो आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 10% का क्रेडिट आप डिस्काउंट आपको वहां से भी मिल जाता है। तो ये जो कॉस्ट 5,000 है, 5,000 से घटकर 4,000 के आसपास हो जाती है, और उसके बाद आप जितने भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप सभी की क्लासेस
देख सकते हैं जितने भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। और मेरे ये दो बैचेस चल रहे हैं, इंग्लिश का ये बैच अभी हाल में शुरू हुआ है 7 सितंबर से। अगर आप इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी प्लस को, और फिर हम क्लास में पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप डेली असाइनमेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप amantrivedi.com से डेली असाइनमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। फेसबुक पेज अगर लाइक नहीं किया तो वो भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आप अपना रिजल्ट कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से चेक कर सकते हैं। मैंने आपको रिजल्ट के बारे में पूरी जानकारी दे दी। अगर आपकी कोई और क्वेरी है और अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल वीडियो मैं किसी टॉपिक पे बनाऊं तो आप मुझे aman.ssementor@gmail.com पर मेल कर दीजिएगा, मैं उस वीडियो टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।